UK07 ने अपनी स्टोरीज में रिप्लाई किया है, उनके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं UK07 की। UK07 राइडर है ना, उनका तो पत्ता कटने वाला है क्योंकि सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम हर्ष सिंह एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। तो आपने कल का वीडियो तो देख ही लिया होगा क्योंकि उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने सोचा अपना नेक्स्ट वीडियो ले आएँ क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाया ना वो काफ़ी रफ वीडियो था, एंड आज का वीडियो भी उसी टॉपिक पर होने वाला है लेकिन एक फुल प्रूफ फैक्ट के साथ एंड पूरे के पूरे प्रूफ के साथ। एंड आज का जो वीडियो होने वाला ना वो होने वाला प्रॉपरली, मतलब कि मैं दिखाऊंगा कि मतलब बताऊंगा कि आप भी जो क्या क्या सीन चल रहा है UK07 राइडर के बीच में, आमिर मस्जिद के बीच में एंड वीर बाइकर सैमी के बीच में। तो बात शुरू होती है कल शाम से, जब 3 घंटे पहले साविया ने वीडियो कह सकते हैं उसको जो अपलोड किया, ये वाला वीडियो। तो ये वाला वीडियो जो है उन्होंने अपलोड किया अपने YouTube चैनल पे, एंड इसको रिप्लाई देते हुए आमिर मस्जिद ने बाय द वे आज एक कल एक ब्लॉग अपलोड करना था, लेकिन उन्होंने ब्लॉग की जगह पे एक अपना एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, रिप्लाई वीडियो ऐसे कह सकते हैं उसको, वो वीडियो अपलोड किया ये वाला। तो आप इसको भी देख सकते हो एंड इसको भी देख सकते हो एंड आप खुद बता सकते हो कि सही कौन है गलत कौन है। बाय द वे जो स्क्रीनशॉट साविया ने बताए एंड जो स्क्रीनशॉट आमिर ने बताए, मतलब जो जो चीज़ें आमिर ने बताई वो रिलेट करती हैं, क्योंकि खुद UK07 सामने ना आके साविया से वीडियो बनवा रहा है एंड उसको पता है कि अगर वो गलत है तो उसके वीडियोस पे रिपोर्ट बन सकता है, उसके चैनल पे रिपोर्ट बन सकती है, बाकी उनके थ्रू जो भी जितने फैंस वगैरह, तभी वो साविया से वीडियो अपलोड करवा रहे हैं। एंड अगर कोई भी इशू बनता है चैनल को रिलेटेड तो जो भी सारा का सारा ब्लेम होगा वो सारा साविया पे जाएगा, ना कि उसके ओन चैनल के ऊपर। यही सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आमिर मस्जिद ने अपने वीडियो में बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें खुद नहीं पता थी UK07 के रिलेटेड, कि वो कैसा बंदा है। मतलब सच बताऊँ ना, मैं भी UK07 की वीडियोस देखता था भाई, लेकिन अब जब सच सामने आ रहा है, वीर बाइकर सैमी ने भी अपनी कुछ स्टोरीज में बताया, ये स्टोरीज आप देख सकते हो, ये स्टोरीज आप सब रीड कर सकते हो पॉज करके, एंड इन स्टोरीज में जो जो वीर बाइकर सैमी ने बताया ना वो बाय गॉड दिमाग हिलाने वाली बात थी। उन्होंने बताया कि जो UK07 राइडर है वो उनको अपने साथ नेपाल लेकर गए एंड वहाँ पर उनको छोड़ दिया, एंड अब जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी वजह से। एंड जो आमिर मस्जिद ने अपनी वीडियो में भी बोला कि वो उनको लाने जा रहे थे लेकिन सैमी ने मना किया उनको, एंड अब जो है वो खुद आए हैं इंडिया, वापस आ गए हैं। अब जो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो आने वाली है वीर बाइकर सैमी की तरफ से, एंड एक दूसरा डिस्ट्रैक्ट आने वाला है आमिर मस्जिद के थ्रू। अब लगता तो यही है कि जो UK07 राइडर है ना उनका तो पत्ता कटने वाला है, क्योंकि अगर जो जो ये सब बोल रहे हैं कि UK07 राइडर ने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए बहुत कुछ बोला है एंड उनके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं UK07 की, और अगर वो सब इन्होंने वीडियो में दिखा दिया तो भाई गॉड करियर ख़त्म हो सकता है UK07 का। एंड अगर जो जो ये बात ही बोल रही कि सूरज जोशी के अगेंस्ट उन्होंने बोला, JS पाजी के अगेंस्ट उन्होंने बोला, MSK के अगेंस्ट अगर UK07 ने बोला, अगर ये सब चीज़ें सच है ना तो यकीन मानो UK07 ख़त्म है। तो अब मैं यही बताना चाहता था आज की वीडियो में कि अब जो है देखते आगे का भी, अगर आपको पूरे के पूरे वीडियोज़ देखने हैं, ये आमिर मस्जिद का वीडियो है एंड ये है साविया का वीडियो, एंड वीर बाइकर के जितनी भी स्टोरीज है आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर देख सकते हो, एंड ये वीडियो इस टॉपिक पर था एंड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो था कि क्या क्या हुआ। एंड अगर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वो थोड़ा रफ वीडियो है तो आप उसको थोड़ा देख सकते हो चैनल में जाके, नहीं तो ये वीडियो मेरा आप इसको देख सकते हो वहाँ पर जाके, एंड मैं आपको वहाँ पर उसमें बताया कि इनकी कॉन्ट्रोवर्सी किस तरीके से शुरू हुई। चलो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, इनकी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई लेह लद्दाख राइड से, जहाँ पर आमिर मस्जिद ने राइड पूरी की एंड इसने UK07 ने राइड पूरी नहीं की, तो ये सारी कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई है। सो दैट्स व्हाई अब जो है आमिर मस्जिद ने जब उनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाला तब से कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। एंड UK07 ने अपनी स्टोरीज़ में रिप्लाई किया लेकिन अपनी वीडियो कोई भी ऑफिशियली नहीं लाई अभी तक, सो अभी हम कुछ कह नहीं सकते प्रॉपरली। अभी आगे का क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी और आगे चलती है मैं आपको अपडेट्स लाता रहूँगा, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेरा पुराना वीडियो जरूर जाके देख लेना। बाय बाय।